नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत, SC ST एक्ट में संशोधन पर लगाई मोहर, शिकायत के तुरंत बाद होगी FIR और गिरफ्तारी, अग्रिम जमानत का प्रावधान भी खत्म। SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर गरमाया एट्रोसिटी एक्ट का मुद्दा, विरोध में सामने आई सपा, फैसले को देगी चुनौती। आरक्षण को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार, राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा कि संघ की विचारधारा ही आरक्षण विरोधी, सोनिया ने भी उठाए सवाल। संसद में भी गूंजा प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा, कांग्रेस समेत NDA के सहयोगी LJP और अपना दल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया विरोध, सरकार बोली सदन में चर्चा को तैयार। CAA और NRC के खिलाफ और बड़ी तकरार, जामिया के बाहर छात्रों को पुलिस ने रोका, संसद तक मार्च पर अड़े छात्र, पुलिस के साथ छात्रों की झूमा झटकी। शाहीनबाग में प्रदर्शन के दौरान मासूम बच्चे की मौत पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, पूछा प्रदर्शन खत्म करने की क्यों नहीं की कोशिश। शाहीनबाग में प्रदर्शनकारियों के सड़क जाम करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा कि हमेशा के लिए सड़क नहीं रोक सकते प्रदर्शनकारी, प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश देने से किया इनकार, 17 फरवरी को फिर सुनवाई। नागरिकता कानून को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर दिया बयान, कहा कि वतन में रहूंगा, गोली खाने के लिए भी तैयार। दिल्ली के गार्गी कॉलेज में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले ने पकड़ा तोल, घटना के विरोध में अनशन पर बैठी छात्राएं, बाहरी लोगों पर शराब के नशे में छेड़छाड़ कर लगाया आरोप, होज खास थाने में दर्ज हुई FIR। गार्गी कॉलेज में छेड़छाड़ के मामले की संसद में गूंज, आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में की चर्चा की मांग, दिल्ली और राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया नोटिस। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान की सभी तैयारियां पूरी, मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग, आपने EVM की सुरक्षा पर उठाया सवाल। अयोध्या में विकास के लिए खजाना खोलेगी योगी सरकार, तीर्थ विकास परिषद का होगा गठन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे अध्यक्ष। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए पटना के महावीर ट्रस्ट देगा 10 करोड़ की राशि, ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल पहली किश्त के रूप में 2 करोड़ का चेक लेकर पहुंचे। हिंदू का मतलब भाजपा नहीं, संघ कार्यवाह, भैया जी जोशी का बड़ा बयान, कहा कि हिंदुओं को सियासी लड़ाई से ना जोड़े। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, 2 जवान शहीद, 1 नक्सली के भी मारे जाने की खबर। मध्य प्रदेश में बड़ी पुलिस सर्जरी, 51 पुलिस अफसर इधर से उधर, 16 जिलों के बदले पुलिस कप्तान। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन गिरा शेयर बाजार, समिति सूचकांक सेंसेक्स में 162 अंकों की गिरावट, निफ्टी में 67 अंकों की गिरावट। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 900 के पार, 40,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। ऑस्कर अवार्ड 2020 में कोरियन फिल्म पैरासाइट बनी बेस्ट फीचर फिल्म, इसी फिल्म के लिए बोंग जून हो को मिला बेस्ट डायरेक्टर का खिताब, वॉकिन फिनिक्स बेस्ट एक्टर और रेने जेन वेगर को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। मलंग ने पहले वीकेंड में किया 25.36 करोड़ रुपए का कलेक्शन, शिकारा कर पाई मात्र 4.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन, 31 दिनों में तानाजी दी अनसंग वॉरियर के कलेक्शन हुए 267.88 करोड़ रुपए। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।